हेलो गाइस, वेलकम टू टीवाईजे वर्ल्ड। आज हम यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल हीट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं 6 डिफरेंट मोबाइल्स के बीच में। यहाँ पे हम रेडमी का नोट 9 प्रो, रेडमी का नोट 9 प्रो मैक, पोको X2, Realme 6, Realme 6 प्रो और Realme X2 के बीच में टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपका मोबाइल ओवर हीट हो जाता है, यानी कि उसका टेम्परेचर 50, 60, 70 डिग्री तक चला जाता है या 80 डिग्री तक चला जाता है, तो इन कंडीशन में मोबाइल के साथ होता क्या है? तो जैसे ही आपका मोबाइल इतना गर्म हो जाता है किसी भी कंडीशन में, जैसे कि अगर आपने मोबाइल को कार में रख के भूल गए हो और कार धूप में खड़ी हो, डेफिनेटली मोबाइल का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब भी ऐसा होता है तो हो सकता है आपका मोबाइल आपको स्विच ऑफ कंडीशन में मिले, या फिर उसमें कुछ एरर आ जाए, या लॉक कंडीशन में मिले, स्क्रीन लॉक हो जाए, फ्रीज हो जाए, या फिर मोबाइल की स्क्रीन आपको कुछ बर्न मिले। हर एक कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल है। इसके साथ साथ काफी ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसमें मोबाइल के ब्लास्ट होने की भी खबर आती है। तो आज हम आपको यही टेस्ट परफॉर्म करके दिखा रहे हैं कि हम मोबाइल को एक्सट्रीम लेवल पर ऑपरेट करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि इनकी लिमिटेशन क्या है, कितने टेम्परेचर पे इनमें वार्निंग आती है, कितने टेम्परेचर पे यहाँ पे मोबाइल पे इफेक्ट आना चालू होता है, उसके बाद मोबाइल किस तरह सर्वाइव करते हैं कि नहीं करते हैं, सेफ्टी एल्गोरिदम किस तरह का है। तो ये टेस्ट हम लगभग हर एक ब्रांड के मोबाइल के साथ परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। अपडेट के बाद इनका एल्गोरिदम काफी चेंज होता है। कई बार हमने ये देखा कि कंपनियां यहाँ पे सेफ्टी एल्गोरिदम देती ही नहीं है। ऐसा काफी कंपनियों के साथ हुआ था, लेकिन कुछ फोर्स करने के बाद कंपनियों ने इसे दे दिया था। तो फाइनली अगर हम यहाँ पे हमारे टेस्ट की बात करें, तो हम ये टेस्ट, तो सबसे पहले हमने सारे डिवाइस को रूम टेम्परेचर पर रखा है। 32 से 31 डिग्री के आसपास इनका टेम्परेचर था। अब देख सकते हैं बैटरी का टेम्परेचर सारे डिवाइसों का 31 डिग्री के आसपास था, और कुछ इसी तरह से स्क्रीन पर भी टेम्परेचर हमें मिल रहा था। इसके बाद हमने सारे डिवाइसों को सेम नेटवर्क से कनेक्ट करके पबजी ऑन किया। यहाँ पे हम पबजी टेस्ट नहीं कर रहे हैं, पबजी एज अ हैवी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं जो GPU और CPU दोनों पे लोड डालेगा। इसके बाद हमने सारे डिवाइसों को कड़कती धूप में रख दिया। वैसे तो क्लाउडी वेदर है, तो हमने ये टेस्ट को दो पार्ट में परफॉर्म किया, यानी कि दो अटेम्प्ट में परफॉर्म किया है, एक क्लाउडी वेदर वाले कंडीशन में, एक डायरेक्शन लाइट वाले कंडीशन में। तो अगर हम यहाँ पे अटेम्प्ट 1 की बात करें, तो यहाँ पे हमने मोबाइल को कड़कती धूप में रख दिया था। 2 मिनट स्टूडियो में था, उसके बाद 3 मिनट लगभग इसे धूप में हुए थे रखे हुए, वेदर क्लाउडी था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 47 डिग्री का टेम्परेचर जा चुका है, लगभग 47 डिग्री के आसपास सारे डिवाइसों का टेम्परेचर वेरी कर रहा था 2 से 3 मिनट में ही कड़कती धूप में रखने के बाद। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे टेस्ट की आगे की बात करें, तो जो सरफेस में हमने रखा था उसका ही टेम्परेचर 61 डिग्री के आसपास पहुंच गया था, और लगभग 8 मिनट के बाद अगर हम यहाँ पे आपको सारे डिवाइसों का टेम्परेचर चेक करा दें, तो 53 डिग्री के आसपास Realme 6 Pro का गया था, 51 डिग्री के आसपास Realme X2, 56 डिग्री के आसपास Poco X2 था, 55 डिग्री के आसपास Realme 6, 55 डिग्री के आसपास Redmi Note 9 Pro Max और 54 डिग्री के आसपास Redmi Note 9 Pro। यानी कि यहाँ पे आप टेम्परेचर देख सकते हैं 55 से 56 डिग्री का मैक्सिमम जा रहा था अभी इन कंडीशंस में। इसके थोड़ी देर बाद ही Realme X2 में वार्निंग आ गई कि मोबाइल ओवरहीट हो रहा है, तो ये बैकग्राउंड के टास्क को रिस्ट्रिक्ट करेगा, अगर हॉटस्पॉट ऑन है तो उसे ऑफ कर देगा और ब्राइटनेस लेवल को कम कर देगा। ऐसा करते क्यों है, ये वार्निंग साइन आती क्यों है? वार्निंग साइन आने के बाद मोबाइल की परफॉर्मेंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि प्रोसेसर और बैटरी दोनों पे कम लोड पड़े, क्योंकि यहाँ पे जब बैटरी का टेम्परेचर या प्रोसेसर का टेम्परेचर ज्यादा जाता है तभी वार्निंग आती है। तो उन पे जब लोड कम हो जाएगा तो डेफिनेटली उन पे हीट का जो फ्लो रहेगा वो कम होगा और वो धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो Realme X2 में वार्निंग आई 69 डिग्री तक, यहाँ पे हमारे इस टेस्ट में टेम्परेचर चला गया था डिवाइसों का। लेकिन यहाँ पे जो काउंटर था, काउंटर के लिए हमने सैमसंग के गैलेक्सी M31 का यूज किया था। M31 में भी यहाँ नोटिफिकेशन आ गया था ओवरहीट का और उसने स्क्रीन को फ्रीज कर दिया था, इसीलिए हम टेस्ट को आगे परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे हम काउंटर शो नहीं कर पा रहे थे। तो लगभग यहाँ पे 10 से 15 मिनट का टाइम तो हुआ था, 69 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर जा चुका था डिवाइसों का, लेकिन उनका बिहेवियर हम चेक नहीं कर पाए टाइमर के कारण। तो हमने ये टेस्ट को फिर से अटेम्प्ट किया। सेकंड अटेम्प्ट में इस बार हम टाइमर को ज्यादा देर धूप में नहीं रखेंगे, तो फिर से हमने सारे डिवाइसों को रूम टेम्परेचर पर रखा। आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है सारे डिवाइसों का। इस बार हमने फिर से इनमें पबजी ऑन किया, कड़कती धूप में पबजी ऑन करके गेम प्ले स्टार्ट करके सारे डिवाइसों को रख दिया। लगभग 3 मिनट का टाइम हुआ था धूप में रखे हुए, 53 डिग्री का टेम्परेचर जा चुका था Realme 6 Pro में, 53 डिग्री का जा चुका था Realme X2 में, 56 डिग्री का जा चुका था Poco X2 में, 56 डिग्री का था Realme 6 में, 55 डिग्री का था Redmi Note 9 Pro में और 55 डिग्री का था Redmi Note 9 Pro Max में। यानी 53 डिग्री से 56 डिग्री के बीच टेम्परेचर वेरी कर रहा था 3 मिनट के अंदर। फिर से
तो यहाँ पे हम टेस्ट को कंटिन्यूसली परफॉर्म करते हुए चले गए। कुछ ही सेकंड्स बाद, यानी आप देख सकते हैं लगभग 20 से 30 सेकंड्स के बाद ही Realme X2 में वार्निंग आ गई। और सबसे पहले इस बार भी Realme X2 में ही वार्निंग आई, यानी हमने दो बार ये टेस्ट कंप्लीट परफॉर्म किया, दोनों बार सबसे पहले वार्निंग Realme X2 में आई। यहाँ पे वार्निंग आ गई कि मोबाइल ओवरहीट हो गया है, और जैसे ये वार्निंग आती है और एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ पे वो ब्राइटनेस लेवल को कम कर देता है और हॉटस्पॉट ऑन रहता है उसे ऑफ कर देता। तो Realme X2 में वार्निंग साइन आ रही थी 55 डिग्री के बाद, यानी 55 डिग्री जैसे ही टच कर रहा था Realme X2 में वार्निंग आ रही थी, वो बैकग्राउंड के प्रोसेस को लिमिट कर रहा था। जबकि अगर हम यहाँ पे इसके नेक्स्ट डिवाइस की बात करें तो Realme 6 में भी वार्निंग साइन आई, लेकिन ये आया 59 डिग्री टेम्परेचर के बाद, यानी 59 डिग्री जाने के बाद Realme 6 में वार्निंग साइन आया। और अगर हम यहाँ Realme 6 Pro की बात करें तो Realme 6 Pro में भी 59 डिग्री के आसपास जब टेम्परेचर जा चुका था तब इसमें वार्निंग साइन आया। यानी कि आप देख सकते हैं Realme के तीनों डिवाइसों में, Realme X2 में 55 डिग्री है कट ऑफ टेम्परेचर जिसमें वार्निंग साइन आता है, Realme 6 में 59 है और कुछ इसी तरह Realme, जबकि इन कंडीशन में Redmi के किसी डिवाइसों में कोई वार्निंग साइन नहीं आया है। तो लगभग 10 मिनट का टाइम यहाँ पे टेस्ट को परफॉर्म करते हुए हो गया था, और पहला Redmi का डिवाइस या Poco का डिवाइस जिसमें वार्निंग साइन आ गया था वो Poco X2 था। 65 डिग्री टेम्परेचर टच करने के बाद Poco X2 में वार्निंग साइन आया था कि डिवाइस ओवरहीट हो रहा है, लेकिन Redmi के Note 9 Pro और Note 9 Pro Max में कोई वार्निंग साइन नहीं आया था। हालांकि गेम दोनों में फ्रेम कर रहा था क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा हीट हो चुके थे मोबाइल, इतने हीट में प्रोसेसर वर्क नहीं कर पाते स्मूथली, बैटरी का टेम्परेचर हाई है, प्रोसेसर का टेम्परेचर हाई है, लेकिन वार्निंग साइन Redmi Note 9 Pro और Note 9 Pro Max दोनों में नहीं आया कि ये किसी तरह के बैकग्राउंड को रिस्ट्रिक्ट करे। जबकि इसी कंडीशन में, यानी कि 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के बाद, Realme के सारे डिवाइसों में वार्निंग साइन आने के बाद ये इसने स्क्रीन को लॉक कर दिया था, यानी कि ये फाइनल इसका प्रोसेस रहता है, स्टेप रहता है कि इसके बाद आप मोबाइल में सिर्फ इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है, उसके अलावा आप कोई प्रोसेस यहाँ नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं स्क्रीन को लॉक कर देता है यहाँ पे वार्निंग साइन के साथ Realme, जबकि Redmi में Poco X2 में वार्निंग साइन तो आया, उसको ओके करने के बाद गेम कंटिन्यूसली चलता रहा, और Redmi Note 9 और Note 9 Pro Max में तो ये भी नहीं आया। और यहाँ पे 70 डिग्री का टेम्परेचर जा चुका था लगभग सारे डिवाइसों में, और ये कंडीशन थी जहाँ Redmi के तीनों डिवाइस Note 9 Pro, Note 9 Pro Max और Poco X2 स्विच ऑफ हो गए। तो इनका जो कट ऑफ टेम्परेचर है वो 70 डिग्री है। स्विच ऑफ होने पे होता क्या कि प्रोसेसर और बैटरी दोनों पे लोड अब जाएगा ही नहीं, तो अब मोबाइल का टेम्परेचर अप नहीं होगा, अब डाउन होगा क्योंकि उसमें किसी तरह की प्रोसेस नहीं हो रही है। जबकि सेम कंडीशन में Realme ऑन तो था लेकिन उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था पूरी बैकग्राउंड की प्रोसेस को, तो इसका भी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं जा रहा था। यानी दोनों का अलग अलग एल्गोरिदम है, लेकिन Redmi के डिवाइस में वार्निंग साइन नहीं आ रहा था। जबकि पहले की बात करें तो पहले जब हम ये टेस्ट परफॉर्म करते थे तो 50 डिग्री या 55 डिग्री में इसका वार्निंग साइन आ जाता था, और 60 डिग्री में ये बंद हो ही जाता था। लेकिन आजकल जो डिवाइस आ रहे हैं उनमें एक तो वार्निंग साइन नहीं आ रहा है, जैसे Poco X2 में तो आ रहा है, Note 9, Note 9 Pro Max में तो आ नहीं रहा है, और ये 70 डिग्री में डायरेक्ट बंद हो रहा है। जिसका कट ऑफ टेम्परेचर लगभग 60 होना चाहिए वो 70 डिग्री में हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह का इनकी परफॉर्मेंस थी। और अगर Realme के डिवाइस की बात करें तो जब हमने इन्हें वापस स्टूडियो में लेके आए और इनका टेम्परेचर चेक किया तो यहाँ पे आप एक तो देख सकते हैं जो बैटरी का टेम्परेचर है वो 50 डिग्री प्लस सारे डिवाइसों का है। जब डिवाइस थोड़ा ठंडा हो गए थे उसके बाद बैटरी का टेम्परेचर, यानी जब गर्म थे तब आप सोच सकते हैं कि बैटरी किस टेम्परेचर पर ऑपरेट हो रही थी। यही वो क्रिटिकल कंडीशन है जब किसी तरह के इंसिडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो हम आपको रेगुलर ये टेस्ट इसीलिए परफॉर्म करके दिखाते हैं कि कभी ऐसे ही कुछ सिचुएशन आपके साथ हो जाए तो आप एकदम मत घबराइए। अगर मोबाइल खुद ही हीट अप होता है तो आप उसे दूर कर दीजिए, लेकिन किसी ऐसी कंडीशन से हीट होता है मोबाइल कि धूप में छूट गया हो, बाहर छूट गया हो, कार के अंदर छूट गया हो, तो उसे घबराइए मत, उससे डिस्टेंस बना के रखिए, उसे ठंडा होने रख दीजिए, एकदम कुछ इंस्टेंट एक्शन मत लीजिए उसके लिए। तो गाइज यहाँ पे कुछ इसी तरह का वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।